मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर चसरावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चसरावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, फरवरी के महीने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फरवरी के महीने से शनिदेव पूरे साल के लिए उदय हो जाएंगे, यानी जो शनि 2021 में इतिहास रचेगा, जो रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो फ्री हो रहा है। अभी तक शनिदेव अस्त है और 9 फरवरी को आधी रात के बाद यानी 00:50 मिनट के बाद वो उदय हो जाएंगे। और जब शनि उदय होगा स्वराशि के अंदर तो फिर धन वर्षा करेगा। शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, इसलिए और शनि इसी स्थिति के अंदर देता भी है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको जानकारी दी जाए। अभी से आप प्लान कर सकते हैं, 8 राशियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। और शनि जब अस्त हो जाता है, सूर्य के नजदीक आता है, तो उसके अपने जो गुण हैं, अपने जो प्रभाव हैं, जो उसके करैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। अभी तक शनि नीच गुरु के साथ चल रहे हैं, 6 अप्रैल से वो भी चेंज हो जाएंगे, उसके बाद जबरदस्त लाभ मिलेगा। यानी इंडिपेंडेंट यानी शनि का खेल शुरू हो जाएगा। और अभी तो शनि कहीं ना कहीं शनि के सूर्य के साथ, कभी नीच बृहस्पति के साथ, कभी शुक्र के साथ, कभी बुध के साथ, कहीं केतु के साथ, ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, उसी की जानकारी मैं आज आपको दूंगा कि वो कौन सी 8 राशि है जिनको अपार धन वर्षा, खूब पैसा मिलेगा, उनकी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन राशियों की जानकारी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो ग्रह करते हैं वैसा जीवन में घटित होता है। मेरा उद्देश्य होता है अच्छा बताना और बुरा बताना। जब बुरा बताया जाता है तो आप उसको सोच लें कि वहां सावधानी बरतनी चाहिए, और जहां मैं आपको अच्छा बताता हूं तो फिर अपना तैयार हो जाए तिजोरियों को भरने के लिए। यानी जैसे कि पहले जमाने में निर्मल बाबा पर्स खुलवा देते थे कि भाई अपने पर्स खोल लो और कृपा आएगी, धन वर्षा होगी। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन शनिदेव पैसा तो आपको देंगे, यानी शनिदेव धन वर्षा तो करेंगे। कितने लोगों को धन वर्षा होती है और कितने डूब भी जाते हैं, देखिए हमने ये जानकारी दी थी, क्योंकि ये जिनकी राशियां हैं, अभी जैक मा है ना, एलन मस्क, टाटा साहब, रतन टाटा जी, इनकी देखिए प्रॉपर्टी कैसे अरबों डॉलर में ऊपर जाती है और अरबों डॉलर डूब जाती है, हैं? कोई ऐसे ऊपर चला जाता है, कोई नीचे आ जाता है। तो ये जो हमारा प्रेडिक्शंस है, ये अरबपतियों खरबपतियों के पास भी तो इसी प्रकार से चलता है कि जिनके शेयर बाजार में ऊपर नीचे होता है, और जो शेयर बाजार का काम करते हैं उनकी तो लाखों रुपए में ऊपर जाती है, करोड़ों में ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, तो वहां भी होता है। लेकिन जिनकी राशि कमजोर है, जिनकी कुंडलियां कमजोर हैं, उनके 1000-2000 में फायदा हो जाएगा। अभी मान लो एक ऑटो वाला है या टैक्सी वाला है, एक टैक्सी वाला नॉर्मल 3000 रुपये रोज कमाता है, और हमने कहा कि भाई आज आपके पास पैसा आएगा, धन वर्षा होगी, और पूरे महीने उसने 5-5, 7-7 हज़ार रुपये रोज कमाने शुरू हुए, तो बड़ा प्रसन्न होता है उसको, तो लगता है मैंने बहुत पैसा कमाया। ऐसे ही मान लो कोई ऑटो वाला है, वो बेचारा 1000 रुपये रोज कमाता है और 3000 रुपये रोज कमाने लग जाए, तो उसको लगेगा मेरे पास वो धन वर्षा हो गई। तो जैसा सब्जी वाले से लेकर के और ऊपर जो बड़े बड़े हैं, चाहे वो बिल गेट्स है टॉप 3 के अंदर, चाहे एलन मस्क है, चाहे जैक मा है, चाहे जैसोप है, ये जितने भी हैं, सैफ जोसोप है, ये सब अमेजोन का मालिक, तो वो जो उनकी जो डॉलरों में ऊपर नीचे जाती है, अरबों डॉलरों में ऊपर नीचे जाती है, वो उनके स्टार भी तो काम करते हैं कहीं ना कहीं, उनके ऊपर तो राशिफल काम करता ही है ना, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तो लगता होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी तो लगता होगा कि आज अरब डॉलर ऊपर अरब डॉलर नीचे, लॉस में जाना ऊपर नीचे होना, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से चलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 राशि के, इन 8 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में कैरियर का स्वामी शनि है, दशम का स्वामी शनि है, वो उदय हो जाएगा।
उदय होते ही उनका कैरियर बूम पे आएगा, यानी जो सस्पेंड हो रखे हैं, जिनका कैरियर डूब गया है, जॉब छूट गई है, जिनको जॉब मिल जाएगी, जो सस्पेंड हो रखे हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, जो टर्मिनेट हो रखे हैं उनको भी दोबारा कोर्ट से राहत मिलेगी कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ मेष राशि वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो धंधा करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्टर हैं, उनको भी इसमें ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वाले कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इन सब के लिए एक बहुत अच्छा है, और वो नीलम पहन सकते हैं, उनके लिए लाभ यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलेगा। और दूसरा, मेष राशि के अंदर उसका जो स्वामी है मंगल, वो भी अपने घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक राजयोग और बनेगा मंगल का। रुचक नाम का महापुरुष राजयोग और सस नाम का महापुरुष राजयोग दोनों ही बहुत अच्छे हैं और बहुत दोनों लाभदायक हैं। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं, वृष राशि की। वृष राशि के अंदर शनि भाग्येश है। जो ये बोलते हैं ना कि हमारा तो शनि बड़ा खराब है, हमारा शनि बड़ा खराब है, अब यहां पर शनि आपका स्वराशि के अंदर रहेगा, भाग्य स्थान का स्वामी रहेगा। इसका मतलब शनि जब भाग्य को उदय करता है तो जब बहुत देता है, फिर यहाँ भाग्य उदय करेगा, यानी आपके भाग्य से काम बनेंगे। शेयर बाजार के अंदर, स्टील के अंदर, कोयले के अंदर, केमिकल्स के अंदर, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, जो प्याज का काम करते हैं, लहसुन का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, जो इस तरह के काम है, उन सब के लिए यहाँ पर लाभदायक हो जाएगा, उनसे भाग्य उदय होने का योग बनेगा। और जो बड़े पदों पर हैं वो लोगों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी योग बनेगा, यानी उन लोगों को भी बेनिफिट यहाँ मिलने का योग बनेगा। तो वृष राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है और मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा है। ये दो राशि वाले आनंद की जिंदगी यहाँ पर पूरे साल यहाँ जी सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं अगली राशि, जिसके अंदर शनि की जो पोजिशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों का जो भाग्य का स्वामी वो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, रोग स्थान पर है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा अपने आप को बचाव करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए केंद्र में राजयोग बनेंगे दो, एक कैरियर के ऊपर बहुत अच्छा योग बन जाएगा और दूसरा विवाह स्थान के ऊपर शनि का स्वराशि माना शादी कराने का योग, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादी होने का योग बनेगा, जिनको जॉब नहीं मिली उनको जॉब मिलने का योग बनेगा। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफी अच्छा योग बनता है, एक बहुत देखिए कि जो वाहन खड़े हुए हैं उन वाहनों को काफी नुकसान पहुंचाया है, काफी अच्छा हो सकता है और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब हमारे पास में जो अगली राशि है सिंह राशि के अंदर, ये बिल्कुल अच्छा फल देता नहीं, तो इसलिए यहाँ सिंह राशि को हम थोड़ा सा उनको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि अच्छा फल नहीं देता। अगली राशि हमारे पास कन्या है। कन्या राशि के अंदर यहाँ प्रभु कृपा यानी धन की प्राप्ति होना एक अच्छा योग बनेगा, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कन्या राशि वाले एक पन्ना पहन सकते हैं, अभी नीलम पहनने की मैं इजाज़त नहीं दूंगा, तुला राशि वालों को नीलम पहनने की इजाज़त दूंगा। तुला राशि वाले जो प्रॉपर्टी के काम में हैं, जो बिल्डर हैं, डीलर्स हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, ब्याज का काम करते हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो नीलम पहन सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो वो नीलम अगर पहनते हैं तो पूरे साल फरवरी से लेकर के पूरे साल तक शनि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और पूरे साल धन भी देगा, पढ़ाई भी देगा और अच्छा योग देगा और प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स भी देगा। और ये 9 फरवरी रात के बाद में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के अंदर शनि तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा देगा। और धनु राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि धनु राशि वाले धन भाव के अंदर शनि रहेगा और अच्छा है, पैसा तो देगा, स्लो स्लो देगा, लेकिन बहुत अच्छा पैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है और आप नीलम पहन सकते हैं। यहाँ पर मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, यहाँ पर सस नाम का महापुरुष राजयोग बहुत अच्छे से चलेगा पूरे साल, और यहाँ मंगल का रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, फरवरी के पूरे महीने के अंदर मिलेगा, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। कुंभ राशि वालों को थोड़ी तसल्ली करनी पड़ेगी। मेष राशि वाले जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो बिजनेसमैन है यानी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर हैं या तेल के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो
अपने बिजनेस को बढ़ाएं और नीलम भी पहन सकते हैं। मित्रों, ये था फरवरी महीने के अंदर शनि का खेल, यानी पूरे ये कह सकता हूँ फरवरी से लेकर के और पूरे साल तक काफ़ी अच्छा आपके लिए फल देने वाला है। अब हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा। और हाँ, अगर आप घर बना रहे हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो ऐसी फैक्ट्री में लगा दूंगा आपकी, तो उस फैक्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। घर भी हम ऐसा बना के देंगे आपको कि आपके घर में 10 पीढ़ी तक कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी तो प्रभु के हाथ में होता है, बीमारियां तकलीफें तो सब होती हैं, लेकिन एक घर में कलेश रहना, घर में टेंशन रहना, वो सब चीज़ें काफ़ी आपको इसमें राहत मिलेगी। कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। मैं कल रुड़की में हूँ और परसों, यानी कल मीन्स 28 जनवरी को रुड़की में हूँ और 29 जनवरी को मैं देहरादून में हूँ। आप वास्तु विजिट के लिए संपर्क कर सकते हैं और साथ में कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ और मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।